नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए राखी के त्योहार की बात करते हैं। राखी का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्योहार यूं ही चलता आ रहा है, लेकिन ये त्योहार कब शुरू हुआ इसका कोई खास प्रमाण नहीं है। इसलिए आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं वो कथाओं के बारे में। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने ये होता हुआ देखा। इस रसम के बारे में उन्होंने भगवान गणेश से पूछा। तब भगवान गणेश ने उन्हें बताया कि ये एक सुरक्षा कवच है। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए, और अपने बच्चों की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या माँ संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाई बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक और पौराणिक कथा। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। उन्होंने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। एक दिन एक आकाशवाणी से उन्हें पता चला कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों वह मारा भी जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर आए और जैसे ही श्रुत देवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया तो वह बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो गया। माना कि श्रुत देवी यह बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों होने की संभावना से वह विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। वह चाहती थी कि भले ही शिशुपाल कितनी ही गलतियां कर बैठे, पर श्री कृष्ण के हाथों उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, पर अगर यह 100 से अधिक गलतियां कर बैठेगा तो मैं इसे जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक राज्य का राजा बन गया। वह राजा भी था और श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी, पर वह बहुत क्रूर राजा बन गया। वह अपनी प्रजा को बहुत सताने लगा और बार बार श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक बार तो उसने भरी राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस उसी दिन शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलतियों की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार किया। बहुत चेतावनी मिलने पर भी जब शिशुपाल नहीं बदला तो अंत में उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस उंगली पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर वहां खड़ी द्रौपदी ने कुछ सोचे समझे बिना ही अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था। इसी घटना से रक्षा बंधन की शुरुआत हुई। बाद में जब कौरवों ने पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था।
उस समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।